नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप सुन रहे हैं इस समय प्रश्नोपनिषद। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगर आप इस चैनल से परिचित नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए। देखिए, यहां संस्कृत का पूरा भंडार है। अगर आपको उपनिषद सुनना अच्छा लगे तो आप प्लेलिस्ट में से उपनिषद पर जाइए और उसमें आपको ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद और इस समय चल रहा है प्रश्नोपनिषद, और धीरे धीरे बहुत सारे उपनिषद इसमें जुड़ते चले जाएंगे, आप उनका आनंद ले सकते हैं। आज हम हैं द्वितीय प्रश्न पे। पहला प्रश्न उसको हम देख चुके हैं, कबंधी ने महर्षि पिप्पलाद से जो प्रश्न किया था उसका जवाब उन्होंने दिया। चलिए अब दूसरा जो प्रश्न है, अथ हैनम भार्गवो वैदर्भी पप्रच्छे। अब उन पिप्पलाद मुनि से विदर्भ देश के निवासी जो भार्गव हैं वो प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न है, भगवन कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते। हे भगवन, कितने ऐसे देव हैं जो इस प्रजा को धारण करते हैं, यानी ये जो समस्त प्रजा है इस प्रजा के लालन पालन संचालन वगैरह में कितने देवता हैं जो अपना योगदान दिया करते हैं। कतर एतत प्रकाशयन्ते, और कौन से ऐसे देवता हैं जो इनको प्रकाशित करते हैं। कहा पुनर एसाम वरिष्ठ इति, और इनमें से कौन सा देव सबसे श्रेष्ठ है। अब देखिए, ये तो सबसे बड़ी लड़ाई है। आप किसी भी धर्म में चले जाइए तो वो कहेगा कि नहीं, हमारा मार्ग ही श्रेष्ठ है। आप किसी संप्रदाय में चले जाइए तो वो कहेंगे कि हमारे जैसा तो कोई दूसरा नहीं। अब ये प्रश्न यहां पे भी पूछा गया कि जो प्रजा है इस प्रजा का लालन पालन कौन देव करते हैं, कौन ऐसे हैं जो इसको प्रकाशित करते हैं, यानी इसको चलाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, और उनमें कौन सबसे श्रेष्ठ है। चलिए, प्रश्न हो गया, जवाब पे चलते हैं। तस्मई सहो वाचाकाशो हवा एस देवो वायु अग्नि आपः पृथ्वी वांग मनः चक्षुः श्रोत्रम च ते प्रकाश्याभिवदन्ति वयमेतद् बाणम् अवष्टभ्य विधारयामः। अब वो पिप्पलाद मुनि कहते हैं कि भैया देखिए, आकाश देव है, एक आकाश ही नहीं, वायु अग्नि जल पृथ्वी ये सभी देव हैं, ये देवता हैं। इसी प्रकार से वाणी मन चक्षु श्रोत्र ये जो इंद्रियां हैं ये भी देवतुल्य हैं, और सबके सब ते प्रकाश्याभिवदन्ति, अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। सबका अपना अपना मूल्य है, सबके अपने अपने कार्य हैं, इनमें से आप किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। भाई कहने को तो ये कहा जाता है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा। चलिए भैया, शरीर को अधम वहां पे कविराज ने कह दिया, लेकिन पांच तत्वों से ये शरीर तो बना है, लेकिन वो पांचों तत्व जो हैं तब तक बेकार है। ये वांग यानी वाणी मन चक्षु श्रोत्र ये जितनी चीजें हैं ये अगर काम कर रही है ना तभी वो पंचरचित शरीर काम का है, नहीं तो पंचरचित शरीर जो है वो एक पत्थर की मूर्ति या मिट्टी की मूर्ति से अधिक कुछ नहीं रह जाएगा। तो ये सारे पांच जो तत्व हैं, ये जो इंद्रियां हैं, ये सभी अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, सबका अपना अपना महत्व है, और सब ये कहने लग गए अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए कि वयम एतद् विधारया महावाणम अवष्टभ्य, हम ही अपनी शक्ति से इस शरीर को या इस संपूर्ण प्रजा को चलाते हैं।
जो एक शरीर को चला सकता है वो संपूर्ण प्रजा को भी चला सकता है। तो हम इसको चलाते हैं भैया। जब ऐसा हुआ तो इन सब में जो श्रेष्ठ प्राण तत्व है, तान वरिष्ठा प्राण उवाच, उस प्राण तत्व ने कहा मां मोहम आपद्य यथा अहम एतत पंचधा आत्मानं प्रविभज्य तद बाणम अवष्टव्य विधारयामिति। भाई तुम लोग फालतू में अभिमान मत करके बैठ जाओ। वास्तविकता यह है कि मैं ही वो प्राण तत्व हूं जो पांच रूपों में स्वयं को विभाजित करके पंच प्राण के रूप में विभाजित होकर के और इस समस्त सृष्टि को धारण करता हूं। ये आप लोगों के बस का काम नहीं है, क्योंकि अगर उपनिषद की भाषा में कहा जाए तो ये सारे स्थूल तत्व हैं और ये सब के सब रई हैं। इसमें जो प्राण तत्व है वो तो प्राण ही है, इसलिए प्राण ने इन सब से कहा, चाहे वो चक्षु हो, चाहे इंद्रिय हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे आकाश हो, सबसे कहा कि देखो भैया आप अपना स्थान तुम्हारा निश्चित है, लेकिन आपसे ही ये सब कुछ चल रहा है। ये अभिमान मन में से निकाल दो, क्योंकि ये सब कुछ मैं चलाता हूं। अपने को यानी प्राण जो है वो स्वयं को पांच स्वरूपों में विभक्त करके पंच प्राण के रूप में विभाजित होकर के और मैं इस समस्त प्रजा को, समस्त सृष्टि को चलाता हूं। ते अश्रद्धाना बभूव। भैया आपने कह दिया और हमने मान लिया, ऐसा थोड़ी हुआ करता है। कुछ लोग बिना प्रमाण के नहीं मानते हैं। तो ये सभी जितने देव थे, आकाश से शुरू करके आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और जो इंद्रियां हैं, मन, वाणी, चक्षु, श्रोत्र यानी कान, कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि प्राण तत्व ही इसको चलाता है, हम नहीं चलाते हैं। तो प्राणों ने कहा कि ठीक है भैया, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप चलाते हो तो मैं ये चला, अब आप चलाते रहो इस सृष्टि को। तो सो अभिमानात ऊर्ध्वम उत्क्रमत। ऐसे में प्राणों ने उनके अभिमान का खंडन करने के लिए, या उन्होंने जब प्राण की कही हुई बात का स्वीकार नहीं किया, तो प्राण तत्व ने इस शरीर के अंदर ऊर्ध्वगति प्रारंभ की, ऊपर से निकलने की तैयारी करने लग गए प्राण तत्व। तस्मिन उत्क्रामति, जैसे ही प्राण तत्व ऊपर की तरफ आगे बढ़ने लग गए, अथे तरे सर्व एव उत्क्रामन्ते, उसके साथ ये जितने तत्व थे सभी बेचैन होने लग गए। देखिए प्राण वायु अगर थोड़ी देर के लिए रुक जाए, श्वास प्रश्वास ना आए, समझ लीजिए कहानी खत्म। फिर ना आपकी आंखों से दिखाई देगा, ना कानों से सुनाई देगा, ना पृथ्वी जल वायु आकाश कुछ कर पाते हैं। तो यहां प्राण ने अपनी स्थिति को समझाने के लिए कि भैया आप मानते हो कि आपसे संसार चल रहा है, मैं कारण नहीं हूं, तो मैं निकल जाता हूं। तो उसने निकलने के लिए जैसे ही ऊर्ध्वगति प्रारंभ की, वैसे ही उसके ऊपर उठते ही ये सब व्याकुल होने लग गए, क्योंकि बिना प्राण के तो कुछ है ही नहीं। तद यथा मक्षिका मधुकर राजानम उत्क्रामंतम सर्वा एवोत्क्रामन्ते तस्मिंश प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रतिष्ठन्त एवं वांग मनः चक्षु सोत्रम च ते प्रीता प्राणम स्तुवंती। बड़ी सुंदर एक उपमा दी। मधुमक्खियों के छत्ते में एक उनकी रानी होती है। आप जानते हैं कि मधुमक्खी का बहुत बड़ा सा छत्ता होता है, लेकिन उस छत्ते में जितनी मधुमक्खियां होती हैं उनकी एक रानी होती है। मधुमक्खियों की वो रानी उत्क्रामंत अगर उड़े तो
सर्वा एव उत्क्रामन्ते, सभी मक्खियां उसके साथ उड़ने लग जाती हैं, तस्मिन् च प्रतिष्ठ माने, और वो कहीं बैठ जाए तो सर्वा एव प्रातिष्ठन्त, सभी बैठ जाया करती हैं। इसी प्रकार से जब प्राणों की स्तुति प्रारंभ की और प्राण तत्व स्थिर हुए तो वांग मन चक्षु श्रोत्र इन सबको भी पता चल गया कि भाई इनके वगैरह हमारा कोई स्थान नहीं है। अगर प्राण है तो ही हमारी सत्ता है, और अगर प्राण नहीं है तो हमारी कोई सत्ता नहीं है। तो जैसे मधुमक्खियों की रानी की सेवा में मधुमक्खियां लगती हैं और उनकी उड़ने पे उड़े और उनके बैठने पे बैठ जाएं, ऐसे प्रीति पूर्वक सभी इंद्रियां प्राण की स्तुति करना शुरू करती हैं। प्राणों से क्या कहते हैं, एशो अग्नि तप्येश सूर्य एस परजन्यो मगवान एस वायु। भाई ये जो अग्नि है, ये जो तपता हुआ सूर्य है, ये जो बरसता हुआ परजन्य है, ये मघवा यानी इंद्र हैं, ये वायुदेव हैं, एस पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है, रईर देवा सद सच अमृतम चयत, ये सब रई हैं। और यहां जो कुछ सच है, जो कुछ सत्य है, जो अमृत तत्व है, वो आप हैं। या दूसरी तरीके से इसी बात को समझें तो अग्नि में जो तेज है, सूर्य का जो ताप है, पर्जन्य की जो वर्षा है, इंद्र की जो शक्ति है, वायु का जो बहना है, पृथ्वी का जो, ये मतलब जितने भी तत्व हैं, इनका जो भी वैशिष्ट्य है, वो सब प्राण तत्व की वजह से है। अगर प्राण है तो ये सब कुछ है, और अगर प्राण नहीं है तो इनमें से कुछ भी काम का नहीं है। और हे प्राण, आप ही सत हैं, आप ही सत का सत हैं, और आप ही अमृत हैं। स्तुति प्रारंभ की है, अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्, ऋचो यजुंश्चि सामानी यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च। भैया जैसे एक रथ के पहिए को रोकने के लिए उसकी अराएं, ये उसका प्राण तत्व होते हैं। यानी साइकिल का टायर हो और अगर उसमें उसकी ताने ना लगी हो रिम में तो रिम बैठ जाएगा। ऐसे गाड़ी का जो भी टायर है, उसकी जो अंदर की स्टपनी होती वो नहीं हो तो टायर काम नहीं करेगा। अब बैलगाड़ियां तो आपने सबने अगर देखी है तो आपको पता चले, या रथ के पहिए आपने देखे हैं तो बाहर एक जो उसकी बीच में धुरी होती है, धुरी के बाहर सबसे बाहर निमी होती है, और धुरी से निमी को जोड़ने के लिए जो अराएं उसमें लगी होती हैं। दूसरी तरीके से आपने देखना हो तो अपने ध्वज पे जो अशोक चक्र है उसमें जो लकीरें हैं वो चक्र की वो अराएं हैं। तो जैसे अरा जो है, रथ नाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्, रथ के प्राण तत्व के रूप में होते हैं, इसी प्रकार से हे प्राण देव, आप ही सबके मूल हैं, आप ही सबका आधार हैं। ऋग्वेद यजुंसी यानी यजुष मंत्र, सामानी या साम के जो गान हैं, या जो यज्ञ है, या जो छत्र विद्या है, या जो ब्रह्म विद्या है, सर्वम, इन सब में आप ही प्रतिष्ठित हैं, या आपके कारण ही ये सब कुछ संभव है। अगर आप नहीं है तो ये कुछ नहीं है। प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे, तुभ्यं प्राण प्रजास्त्विमा बलिम हरन्ति, हा प्राणे प्रतिष्ठसि। भाई प्रजापति जिसकी रचना करता वो भी आप हैं। माता के गर्भ में जो बड़ा होता है, जो जन्म लेता है, वो भी आप हैं। आप ही वो तत्व हैं जिनके लिए समस्त प्रजा हमेशा बलि का आधान करती है, यानी बलि प्रदान करती है। आप कहेंगे प्रजा बलि प्रदान करती है, भैया हम तो कभी किसी की बलि नहीं चढ़ाते हैं। तो अपने प्राणों की शांति के लिए ही आप भोजन करते हैं,
बलि चढ़ाना, यानी आप जो नित्य प्रति सुबह दोपहर शाम नाश्ता चाय पानी खाना पीना ये जो कुछ करते हैं, ये आप प्राणों के लिए ही अन्न की बलि चढ़ाते हैं या अन्न का उपभोग करते हैं, उस बात को कहा है। तुभ्यम चतुर्थी है, दान अर्थ में चतुर्थी होती है, तो आपके लिए ही प्रजा, ये जो पूरी प्रजा है, समस्त प्रजा है, बलिम हरंती, बलि दिया करती है, बलि चढ़ाया करती है। यह प्राण ही प्रतिष्ठसी, जिससे कि प्राण तत्व जो हैं वो भूखे भजन ना हो गोपाला, अगर नहीं खाओगे पियोगे तो प्राण आपके शरीर का साथ नहीं देंगे। तो प्राणों का अगर साथ चाहिए तो उनके लिए हमेशा बलि देते रहनी पड़ेगी। तो प्रजापति जिसकी संरचना करता है वो भी आप हैं, माता के गर्भ में जो रहता है वो भी आप हैं, माता के गर्भ से जो जन्म लेता है वो भी आप हैं। आप ही वो तत्व हैं जिसके लिए प्रजा हमेशा बलि चढ़ाती है, यानी भोजन वगैरह करती है, और आप ही वो शक्ति हैं, वो तत्व हैं जो प्राण के रूप में स्थित रह करके इस समस्त संचालन के मुख्य कर्ता धर्ता हैं। चलिए इससे आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, आनंद लीजिए।